अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के गढ़ में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री की। आज असदुद्दीन ओवैसी की सुल्तानपुर जिले में रैली हुई, इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। पहले हम कल की बात करते हैं। कल रुदौली विधानसभा सीट जो कि अयोध्या में पड़ती है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने रैली की। रुदौली सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी की सीट रही है, हालांकि इस बार जो वहां से सिटिंग एमएलए हैं वो भाजपा के हैं, पर वो एंड टाइम पर टर्नकोट हो गए थे, इस वजह से वो भाजपा के हैं। अदरवाइज अभी भी समाजवादी की ही सीट कही जाती है, मुस्लिम बहुल्य सीट कही जाती है। कल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर आने के बाद आज ओवैसी के टारगेट पर थी कांग्रेस पार्टी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सुल्तानपुर और उसके बगल में अमेठी और रायबरेली, अगर आप तीनों जिलों को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 43% वहां पर मुसलमान का वोट शेयर कहा जाता है। रायबरेली में 6% तो सुल्तानपुर में लगभग 12% मुस्लिम वोट शेयर कहा जाता है। उसको देखते हुए ओवैसी ने नजरें उन एरियाज पर गड़ाई हैं जहां पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं। इससे दो चीजें सामने आती हैं, अखिलेश यादव तो निशाने पर हैं ही, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रॉन्ग सीट्स हैं जहां बोला जाता है कि कांग्रेस की पकड़ मजबूत है, स्पेशली रायबरेली, अमेठी और कहीं ना कहीं सुल्तानपुर, वहां पर ओवैसी की नजर है। यूं तो यूपी कांग्रेस ज्यादा स्टैंड उत्तर प्रदेश में नहीं करती है, पर कहीं ना कहीं जो बचा कुचा वोट बैंक है उसको भी काटने की कवायद की तरह नजर आती। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहां पर अखिलेश यादव का वोट है वो भी कटता हुआ नजर आता है। फिलहाल आज अगर रैली की बात करें तो काफी भारी की संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर लोग उमड़े और देखो देखो शेर आया के नारों के साथ असदुद्दीन ओवैसी का स्वागत किया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कल वाले स्वर ही दोहराए और उन्होंने कहा कि मुसलमान आगे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि कभी उनकी बात करने वाला कोई नहीं हुआ, कभी उनका नेता कोई नहीं हुआ, सारे दलों के नेता हुए। अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया गया, बघेल को बनाया गया, पर कोई मुसलमान को कभी कोई क्यों नहीं आया। और असदुद्दीन ओवैसी ने कोशिश करी इस मंच से ये साबित करने की वही इकलौते मुसलमानों के मसीहा हैं और अगर आप उन्हें वोट करेंगे तभी मुसलमान की तरक्की हो सकती है। और उनके मुताबिक अगर वोट मुसलमान का कहीं भटकता है तो वो बसपा और सपा में भटकता है और कहीं ना कहीं कुछ एरियाज में कांग्रेस में भटकता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस एरिया में, इस सुल्तानपुर के जहां पर रैली स्थल था, वहां हजारों की भीड़ में जैसे ही ओवैसी की गाड़ी आती है भारी संख्या में लोग आते हैं गाड़ी में, बाइक्स में, पैदल चलते हुए। कई जगहों पर जो है रैली जब शुरू होती है चौकत अली इसमें बयान देते हैं और भीड़ को काबू करने की भी काफी कोशिश करी जाती है। ओवरऑल जो कहानी ये है कि दो दिन का दौरा आज यहां पर हो चुका है उत्तर प्रदेश में, कल आखिरी दिन है तीन दिन के दौरे का और कल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां पर भी कुछ सियासी मायने निकालेंगे कि जिससे उनका जो स्ट्रांग होल्ड है, जो मुस्लिम वोट है, वो उनके पास बना रहे। नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक के लिए।